मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर FIR दर्ज कर अब मुख्यमंत्री के घेरे में पहुंच चुकी है। पंकज मिश्रा से बढ़ावा के एक मामले में पूछताछ के बाद राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर भी आफत आ सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी अब नज़दीक पहुंच गई है। ईडी ने साहेबगंज बरहरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर करने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर अब तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। वहीं ईडी ने इस जांच को अगर आगे बढ़ाने का फैसला किया है तो ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर भी आँच आ सकती है। ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य कईयों को आरोपित किया गया है। जांच की आँच मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि दर्ज केस में पंकज मिश्रा और वह अन्य के नाम दर्ज हैं। बड़हरवा का यह केस शंभू नंदन कुमार उर्फ शंभू भगत ने दर्ज कराया था। उन्होंने टेंडर विवाद के एक मामले में बड़हरवा थाने में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के इशारे पर मारपीट किए जाने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों ही आरोपितों को साहेबगंज पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। शंभू भगत ने ईडी को बताया है कि मंत्री आलमगीर आलम के भाई की कंपनी भी नगर पंचायत बरहरवा में वाहन प्रवेश शुल्क वसूली के टेंडर में शामिल हुई थी। उस कंपनी ने एक डंपिंग कंपनी खड़ा करके 5 करोड़ रुपए तक की बोली लगवा दी थी। बाद में पैसा जमा नहीं करने पर दूसरी बोली 1,46,00,000 में आलमगीर आलम की कंपनी ठेका ले लेती। ऐसे में शंभू भगत को जब इसकी भनक हुई तो उन्होंने इस ठेके को 1,80,00,000 में ले लिया। इसके बाद से ही रंजित शुरू हुई। शंभू भगत ने पिछले 22 अप्रैल को ईडी में आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके कारण वे डरे हुए हैं। साहेबगंज के एसपी डीसी मानवाधिकार आयोग में वे अपनी जान की सुरक्षा पर खतरा बताते हुए आवेदन दिया था, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से उन्होंने जान की सुरक्षा की लेकर गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि इनकी जान को इन दोनों लोगों से खतरा है, सुरक्षा मांग मांग कर वो थक गए हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली है। ऐसे में उनको निश्चित रूप से खतरा दिखाई देता है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद से अब विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जो लगातार ईडी को चुनौती दे रहे थे, उन पर अब संकट के बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। ईडी ने सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंकज मिश्रा के खिलाफ पाकुड़ के शंभू नंदन ने टोल टैक्स नीलामी में भाग लेने से रोकने के लिए धमकी देने और मारपीट का आरोप लगाया था। वहीं शंभूनाथ के मोबाइल पर पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम से धमकी भरे फ़ोन आए थे। ऐसे में फॉरेंसिक लैब के जांच के लिए शंभू भगत के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। वहीं अब पूरी जांच जब होगी वो पता बाद में चलेगी, लेकिन पूरा प्रकरण यूं कहा जाए कि अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आलमगीर आलम पर अगर आँच आएगी तो निश्चित रूप से हेमंत सरकार पर भी आँच आनी तय है। वहीं पंकज मिश्रा अगर पूछताछ में कुछ बताते हैं तो सीधा मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जाएगा ही। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर शिकंजा ईडी के द्वारा
किया जा रहा है। और ऐसे में अगर पूछताछ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस प्रकरण के जुड़े होने की संभावना दिखाई देती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के घेरे में आ सकते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।